तो हम एक प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हैं, पिवट टेबल के अंदर प्रॉब्लम होता है। जैसे आपके सामने डेटा है, मैं डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पिवट टेबल लगा दिया, ठीक है सर। पिवट टेबल लगाने के बाद हमने यहाँ पे टोटल वगैरह निकाल दिया, आ गया। अब डेटा के अंदर में किसी पुरान कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर कोई चेंज करते हैं तो वो तो आपको जस्ट रिफ्रेश करने पर आपका अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर कोई नया डेटा ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे नीचे अगर मान लीजिए हमने एक डेटा ऐड कर दिया, ये डेटा आपका पिवट में अपडेट नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, चेंज सोर्स डेटा पे जाके ब्राउज़र इसको चेंज करना पड़ता है, डेटा को सिलेक्ट करके देन ओके कीजिएगा, तब जाके होता है, राइट सर। ओके, तो हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना है जो कि ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट हो जाए। तो तरीके कई सारे हैं। सबसे पहले मुझे अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, समझे। हाँ हाँ, डेटा को क्या कर दिया, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब टेबल में कन्वर्ट होने के बाद जब हम इस पे पिवट टेबल लगाएंगे तो टेबल को रीड कर रहा है ना, एक रेंज को रीड नहीं कर रहा है ना। अब जैसे हम डेटा में कोई एंट्री करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रवि लिखा, और रवि लिख के जैसे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए टेबल ने उसको अपने अंदर में डाल लिया, समझ गए। ओके, तो इस तरह से आपका टेबल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा, आप टाइप करते जाएंगे। लेकिन इसके भी लिमिटेशंस है, इसके दो प्रॉब्लम है। पहला कि डेटा टेबल में हो जाने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, पहली चीज, कई सारे चीज पे प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अभी हम कॉपी पेस्ट टाइप कर रहे, ठीक है, जब डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं ना, जब लार्ज डेटा कॉपी पेस्ट करता है तो टेबल को मैनुअली इस तरह से इंक्रीज करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होता है। तो टेबल का आइडिया तो ठीक है, बट कुछ हद तक ठीक है, 100% नहीं। Okay. समझ गए। तो सबसे पहले आप डिजाइन टेबल में जाके इसको कन्वर्ट टू रेंज कर देते, नॉर्मल डेटा बना दिए। दूसरा तरीका है एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो इंसर्ट करते समय पिवट टेबल में यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इस पे क्लिक किया, चूज कनेक्शन पे गया, ब्राउज फॉर मोर पे गया, और यहां जाके हम लोकेशंस में अपने फाइल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेम फाइल को सेलेक्ट करके ओपन किया और डेटा को सेलेक्ट करके ओके कर दिया, देन ओके। तो अब जो हम चेंज करेंगे यहां पे ना, जैसे मैंने यहां पे अगर नया नाम डाल दिया, मैं नमन डाल दिया, सर रिकॉर्ड परमिशन दे दो। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं सर, रिकॉर्ड परमिशन दे दो, नेम को यहां रखा और जनवरी को रख दिया, ठीक है। अभी नमन नहीं आ रहा है, बस मुझे रिफ्रेश करना है, देखिए आ गया नमन। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि ये आप अपने पीसी पे वर्क कर सकते हैं, समझ गए। हेलो जवर्धन जी, क्योंकि तो जब पिवट टेबल हमने कनेक्ट किया है ना, उसका एक पाथ है परमिशन सेक्शन में। जी सर, रिकॉर्ड परमिशन दे सर। अब इसके क्यूरी कनेक्शन जाएंगे, आप इसकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे राइट क्लिक करके, तो देखेंगे कि एक पाथ है, देखिए डेफिनेशन में पाथ है ना सर। हाँ सर। अब ये फाइल मैं आपको भेजूंगा तो आपके यहाँ तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपके ई ड्राइव में फाइल्स फोल्डर के अंदर में डेटा अवेलेबल तो है नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, क्या। हम्म, तो पहली प्रॉब्लम तो आपकी ये हो गई।
दूसरी प्रॉब्लम इसमें आता है कि इसमें रो जो है ना, जितना ऐड कीजिएगा तो रो का आपका वेट हो जाता है, बट कोई कॉलन ऐड करते हैं तो ऐड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जीएसटी का टोटल लगाया और इसको मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे 12% जीएसटी ले लिया, ओके okay. लिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए तो आपका जीएसटी नहीं दिख रहा, नहीं दिखा। तो दूसरा तरीका अगर समझ में इसमें, आया? हाँ, और इसमें जैसे मैंने एक किया था कि पूरा इंटायर सीट अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो भी नहीं होता सीट है, तो फिर नीचे में गैप सिर्फ आता है, एक नहीं, इसमें ब्लैंक करके ब्लैंक आ आता है, जाएगा तो सही नहीं है। तो ब्लैंक आता है. हाँ ब्लैंक आता है. अब इसमें अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है जो कि पूरी तरह से परफेक्ट है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद आप लोगों को समझ में आए या ना आए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। उसके लिए यूज करना पड़ेगा मुझे ऑफसेट फॉर्मूला। यहाँ हमारे पास ऑफसेट फॉर्मूला है, मैंने बोला ऑफसेट के अंदर में रेफरेंस से बोला, मैंने स्टार्टिंग पोजीशन हमने बोला A1, हमने रो 0 कॉलन 0 और इसकी जो हाइट है मतलब कि कितना रो है, हाइट मतलब कितना रो है, तो इसके लिए मैंने काउंट A का फॉर्मूला लगाया और A कॉलम को काउंट कर दिया, ठीक है। फिर बोलता है विड्थ मतलब कितना कॉलन है, विड्थ मतलब कॉलन, तो कॉलन के लिए भी हम काउंट A का फॉर्मूला ले लेते हैं और इसकी विड्थ को ले लेते हैं, समझ गए। अगर मैं अभी यहाँ एंटर मारता हुँ ना सर, देखिए पूरा डेटा यहाँ लुकअप कर देगा, क्योंकि विंडो 11 ये है आपका लेटेस्ट एक्सेल, इसलिए पुराने एक्सेल में आप ये नेम का एरर आता है। पूरा डेटा दिख गया सर, दिखा। आ गया. अब जैसे मैं यहाँ एंट्री करूंगा ना ये बढ़ता जाएगा, जैसे मैं देखिए मैंने कर दिया मोहन, एंटर प्रेस कीजिए, आ गया मोहन सर, हाँ भी आ गया. डिलीट कर दीजिए, हट गया। हाँ लेकिन प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मूला पिवट में कैसे डाले। पिवट में डालने के लिए सबसे पहले आपको इसको करना पड़ेगा फ्रीज, क्या करना पड़ेगा फ्रीज, पहले फ्रीज करना होगा। अब इसको कॉपी करते ओके हैं। अब ये ध्यान रखिए कि पिवट में हम किसी भी तरह के फॉर्मूले को नहीं डाल सकते, सिर्फ रेंज डाल सकते हैं या डिफाइन नेम डाल सकते हैं। बट डिफाइन नेम बोलता है कि मेरे अंदर फॉर्मूला डालिए, तो ये जो फॉर्मूला था हमारा ऑफसेट का उसको मैं डिफाइन नेम में गया, इसका हम डीटी नाम से बना दिए और यहाँ पे उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। फॉर्मूले पेस्ट करते हुए ध्यान रखिएगा कि वो डॉलर साइन से फ्रीज होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन ओके। अब मैं किसी भी पिवट में आऊंगा, किसी भी सीट में पिवट लगाते समय यहाँ टेबल रेंज में हमारा डीटी था ना सर, एंड जस्ट ओके लग गया। अब मैं रो ऐड करूं या कॉलम ऐड करूं हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा। जैसे यार टोटल का कॉलन ऐड कर देते हैं और यहां पे हम लेते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, ठीक हाँ है। अब इसको यहां पे देखिए नहीं है ना, भी टोटल टोटल आ गया ना इसमें, इसमें दो टोटल गए, एक बार जी अगर करता हूँ जी टोटल कर देता हूँ ना, जी टोटल। अब देखिए जस्ट मुझे रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करते हैं, जी टोटल आ गया। तो ये जो है पूरी परफेक्ट है और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। हाँ बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. लेकिन सर कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बताया कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझे। और इसका यूज हम पिवट में ही नहीं, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक रेंज में, डायनेमिक रेंज में, समझ गए। सर जब तक ये फॉर्मूला का आप लॉक किया और ये कैसा क्या काम करते हुए, बोल रहे हैं? ये तो आप तो ये फॉर्मूला लॉक किया ना. हाँ लॉक ये जरूरी है, लॉक नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा।
हाँ तो सिर्फ एक सेल में तो लॉक हो गया वो D1 और A1 हाँ, को ये जो है इसको लॉक कीजिए, ये ऑटोमेटिक ले रहा है इसको। तो। इस देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा वेट कीजिए, आगे क्लासेस में जो ऑफसेट फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक सर, ठीक है, ठीक, समझ गया। यस सर, सर अब इसी तरह से, अब जरूरी नहीं है कि अब एक्सेल से, इसमें जो एक्सटर्नल डेटा सोर्स जो है अब जो लेते हैं यहाँ पे, इसमें हम सिर्फ एक्सेल ही नहीं, आप यहाँ चूज कनेक्शन पे जाते हैं तो एमएस एक्सेस का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एमएस एक्सेस में अगर कोई डेटा है सिलेक्ट कीजिए, ओपन एंड ओके कीजिए, एमएस एक्सेस में बन जाएगा। ठीक है, इंसर्ट पिवट टेबल, फॉर्म एक्सेल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस। आप इसमें आपका और भी कोई और फाइल टाइप फाइल वो ले सकते हैं। न्यू सोर्स में जाएंगे तो अपना एसक्यूएल ओरेकल वगैरह जनरेट कर सकते हैं, कनेक्ट। ठीक है, तो एक्सटर्नल डेटा का मतलब हुआ कि दूसरे किसी और सॉफ्टवेयर से अपने डेटा को करना चाहते हैं आप। ठीक है, समझे सर। यस यस सर, सर, तो यहाँ पे हमारा पिवट टेबल 2007 का खत्म।